बॉलीवुड फिल्म ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स रो प्रमोशन रे ओडिशा आसिछंती बॉलीवुड कलाकार सबुठारु बड़ कथा हैला ए फिल्म टीरो प्रयोजना दायित्व तुलाइछंती ओडिशा रो दुई प्रतिभा अमूल्य कुमार दास ओ सुजाता दास। बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्नांक अभिनीत फिल्म अमर प्रेमरु आसिछि ए फिल्म रो टाइटल। ओडिया टेक्निशियन जणे दि जण अछंती किंतु कलाकार के नाथि कारण मुनी प्रथम रे पिक्चर सेलिंग विषय रे बुझिया पय मके टाइम लागला। नेक्स्ट जो पिक्चर होली अप्रैल मे मे त आरंभ करछि। बॉलीवुड रो जणे दि जण माने माने ओडिया रो जणे दि जण कलाकार रे अमूल्य प्रथम थर पई बॉलीवुड रे प्रयोजक भाबे पाद थापिबा सह निजर एक बैनर फिल्म आट द रेट 50 रो प्रतिष्ठा मध्य करिछंती। फिल्म आट द रेट 50 बैनर रे तथा वेबलैंग स्टूडियो सहयोग रे प्रस्तुत एई फिल्म टिरो रहिछि कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर एक्शन ड्रामा और रोमांस। फिल्म रो मुख्य भूमिका रे अभिनय करिछंती कॉमेडी किंग कृष्णा अभिषेक अर्जुमन मुघल कन्नड़ अभिनेता कार्तिक जयराम और अनुस्मृति सरकार। टाइटल है वो परफेक्ट स्क्रिप्ट के साथ जाता है कि नहीं। पुष्पा की जो कहानी है पूरी फिल्म में जो पुष्पा जो परेशान है और किस वजह से परेशान है और वो अपनी परेशानी को सॉल्व करने के लिए एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करती है अपने अपनी लाइफ में और फिर वो कैरेक्टर जो पूरी फिल्म को घुमाता है ऐसा घुमाता है कि सब घूम जाते हैं। प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है उसको समझ में आ रहा है और उसमें की बंगाली में बात करते थे और टीना का भी किरदार बहुत ग्लैमरस है। ये फोन पे अपना कन्नड़ में लगे रहते थे बेंगलोर में और भी समझ में नहीं आता था इसलिए हम जयराम कार्तिक का जो पुष्पा होती है बीबी। दिनकर कपूर फिल्मटर कहानी रचना करथिबा बेले निर्देशना दायित्व मध्य से तुलाइछंती। आसंता 28 तारीख रे सारा भारत रे 400 सिनेमा हॉल रे हिंदी भाषा रे एहा मुक्ति लाभ करिवो। एहा स कर्नाटक रे 60 टी सिनेमा हॉल रे कन्नड़ भाषा रे मध्य प्रदर्शित हबो। एथिपाई फिल्म रो प्रयोजना संस्था एहा प्रकाश करिछंती। ये एक फैमिली ड्रामा है व्हिच दिनकर जी हैज रिटन इट वेरी वेल। सो एक अच्छा सा स्टार कास्ट है और टेक्निकली वेल मेड टीम है। सो हम इस 28 को रिलीज कर रहे हैं फरवरी 28 को। So I would just ask the people to come and watch the movie. मॉडलिंग मुझे मेरी किस्मत में था तो मुझे मिलता रहा काम मॉडलिंग में। सो ये फिल्म जो है पुष्पा ये ऐसी फिल्म है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकती हूँ लोगों को और मैं ऐसी फिल्में कर सकती हूँ जैसी फिल्में मैं करना चाहती हूँ।